दोस्तों, ऐसी कोई भी वस्तु भगवान के अर्पण की जा सकती है जो साधारण मनुष्यों को बिना किसी परिश्रम, हिंसा और व्यय के अनायास ही मिल सकती है, जैसे पत्र, पुष्प, फल और जल। भगवान साधारण से साधारण मनुष्य द्वारा अर्पण की हुई छोटी से छोटी वस्तु भी सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा कथित भोजन के विषय में महत्वपूर्ण बात। जब हम भगवान को अपने घर में भोग लगाते हैं तो क्या भगवान उसे स्वीकार भी करते हैं? ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात है, इसको हम एक प्रसंग के माध्यम से इस वीडियो में समझेंगे। इस भक्ति यात्रा में प्रतिदिन हमारी एक वीडियो या दो वीडियोस आ रही हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उससे लाभान्वित हो सकें। और हम आपको आमंत्रित करते हैं अपने विचारों को हम तक पहुंचाने में। आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं और ये वीडियोस की सीरीज आपको कैसी लग रही है आप हमें बता सकते हैं। जय श्री कृष्ण। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके जब पांडवों ने दुर्योधन से अपने राज्य की मांग की, तब दुर्योधन ने राज्य देने से साफ इनकार कर दिया। इस पर पांडवों की ओर से स्वयं भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर कौरवों के यहाँ गए। बाहरी शिष्टाचार दिखलाने के लिए दुर्योधन ने उनके स्वागत की बड़ी तैयारी की। जब भोजन के लिए कहा तब भगवान ने उसे अस्वीकार कर दिया। दुर्योधन के कारण पूछने पर भगवान ने कहा कि हे दुर्योधन, भोजन केवल 2 प्रकार से ही किया जाता है, या तो जहां प्रेम हो वहां, और वहां पे जो कुछ भी मिलता है वह बड़े आनंद से खाया जाता है, चाहे रूखा सूखा ही क्यों ना हो। दूसरा, जब भूख के मारे प्राण जा रहे हों, तब उस स्थिति में जहां चाहे जिस भाव से जो कुछ भी मिले उसी से उदर पूर्ति करनी पड़ती है। यहां पर यह दोनों ही बात नहीं है। भगवान कहता है कि प्रेम तो आप में है ही नहीं और भूखों में मरता नहीं। इतना कहकर भगवान बिना ही बुलाए भक्त विदुर जी के घर चल दिए। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बालिक आदि बड़े बूढ़े लोगों ने विदुर के घर जाकर श्री कृष्ण से अपने अपने घर चलने के लिए भी अनुरोध किया, परंतु किसी के भी यहाँ भगवान नहीं गए और उन्होंने विदुर जी के घर पर ही उनके अत्यंत प्रेम से दिए हुए पदार्थों का भोग लगाकर उन्हें कृतार्थ किया। महाभारत में वर्णित दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो बहुत प्रसिद्ध है। अतः जब भी हम भगवान को भोग लगाते हैं तो हमारा अंतःकरण उस समय द्वंद्वों से रहित होना चाहिए। भगवान कहते हैं, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो उसे प्रेतात्मा कहते हैं। और इसका प्रयोग श्रीमद् भागवत गीता में करके भगवान ने यह दिखलाया है कि यदि अर्पण करने वाले का भाव शुद्ध ना हो
तो बाहर से चाहे जितने शिष्टाचार के साथ, चाहे जितनी उत्तम से उत्तम सामग्री मुझे अर्पण की जाए, मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करता। मैंने दुर्योधन का निमंत्रण अस्वीकार करके भाव शुद्ध होने के कारण विदुर के घर पर जाकर प्रेम पूर्वक भोजन किया। सुदामा के चियोरों का बड़ी रुचि के साथ भोग लगाया और द्रौपदी की बटलोई में बचे हुए पत्ते को खाकर पूरे विश्व को तृप्त कर दिया। गजेंद्र का द्वारा अर्पण किए हुए पुष्प को स्वयं वहां पहुंचकर स्वीकार किया। सबरी की कुटिया पर जाकर उसके दिए हुए फलों का भोग लगाया और रंती देव के जल को स्वीकार करके उसे कृतार्थ किया। इस प्रकार प्रत्येक भक्त की प्रेम पूर्वक अर्पण की हुई वस्तु को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय में कहा है, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। अतः जब भी हम भगवान को भोग लगाते हैं तो हमारा मन एकदम भगवान के ध्यान में मगन होना चाहिए। अपने आंतरिक द्वंद्वों को कुछ समय के लिए हमें भूल देना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान हमारा भोग स्वीकार नहीं करेंगे तो वैसे ही कई प्रकार की जो विपत्तियां हैं उसमें हम फंस जाएंगे। और भक्त के लिए वरदान यही होता है कि भगवान उसका जो भोग है वो प्रीति सहित, प्रेम सहित स्वीकार करें। इसके अलावा जब भोग लगा देते हैं तो उसके बाद भी भोजन, आप जो भोग लगा रहे हो उसको वहाँ से आदरपूर्वक उठाना भी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे आपने भोग रख दिया है, उसके बाद भोग को अर्पण करने के बाद उसका क्या होता है उसका आपको पता नहीं है, वो इधर उधर गिरता है। उस भोग को प्रीति सहित आपको भगवान को ऐसा मानकर कि भगवान प्रत्यक्ष रूप से ही उसको स्वीकार करेंगे भोग लगाना चाहिए। इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अपनी इस धार्मिक यात्रा को हम जारी रखेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।